हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। अभी 7 बज चुका है, अभी उठी हूँ तो उठ के खाना बना रही हूँ। अभी खाना बना के जस्ट रूम को टिफिन दे दूँगी, सारा काम करके फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस एक दिन छोड़ के एक दिन से ब्लॉग आएगी। गाइस एक दिन छोड़ के इसलिए आएगा क्योंकि ऐसा नया कुछ है नहीं बनाने के लिए, नया कुछ बनाए रोज़ यही घर का काम कर ले, यही रहता है ब्लॉग। तो अभी देख रहे हैं कहीं पर अच्छा कुछ मिले तो वीडियो बनाए, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन से ब्लॉग आएगा। तो आप लोग देखते हो लेकिन लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो, तो लाइक कमेंट शेयर किया करो तो हमारा भी मन होगा कुछ अच्छा बनाने के लिए। हम देखें कुछ अच्छा ब्लॉग बनेगा तो अच्छा लगेगा एक्चुअली, मतलब कुछ देखते। गाइस मैंने आज पहना है शादी का जोड़ा, भी घर का काम हो गया तो कुछ काम नहीं था, तो देखा शादी का जोड़ा पहनी तो देखना कैसी लग रही हो शादी का जोड़ा में। जब भी मतलब शादी का जोड़ा बहना जो भी कुछ रील वोल बनानी थी वो बना ली, बना के अभी उतार के रखा है कहीं खराब ना हो इसलिए। और क्या बताऊँ आप सभी को, आप सभी को खेत दिखा देती हूँ। देखिए कैसा गाँव लग रखे, गाँव नहीं ये सावल है, गाँव है। अरे नहीं पानी पड़ा, मेरे को नहीं पता ये गाँव है एक सावल है, लेकिन दिख रहा है जो भी नहीं सावल है तो मतलब कितना प्यारा दिख रहा है। देखिए आप सभी रियली, और यहाँ पे कहीं पे सांप है तो मेरे को डर लगता है भाई, एक बार इतना बड़ा सांप निकला था यहाँ से। इसी जो बेल दिख रही है इसमें हरियाली में घास फूस में इतना बड़ा सांप है, देखिए कितनी प्यारी हरियाली है सारी। पीछे ऐसे लग रहा है कि गार्डन वगैरह होता है ना इसमें, जैसे होते हैं ना वैसे, इतना अच्छा अच्छा लग रहा है। और ये बारिश बंद हो जाएगी फिर सूखा सूखा हो जाएगी, कितना प्यारा लग रहा है। और बारिश आने वाली है ऊपर, ऐसे लग रहा है बारिश जैसा मौसम दिख रहा है। तो गाइस देखिए हमारे गाइस, तो हम आज कहीं पे जाने वाले हैं तो आपको माता जी के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको दर्शन जरूर करवाएंगे। कहाँ गई है अब 12 बज गया है तो अभी जा रहे हैं, लेट हो गया आज। टूटा हुआ है, बैठ जाना। टूटा हुआ है, एक साइड बैठ जा अभी। तरुण बच्चे तू? हाँ ना। अच्छा बैठ जा, मुझे कुर्सी भी लगी। बूढ़ा होने लगा है लेकिन ये बच्चों की तरह झूल रहा है, देखिए इसकी हरकतें। ये बच्चों का तोड़ के डालेगा अभी। हार्दिक मजा आ रहा है, हार्दिक मजा आ रहा बहुत। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। मैं कैसा लग रहा हूँ झूलते हुए, है ना? हाँ बस 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 बस, मैं मर जाऊंगा। अरे रोक देता नहीं। गाइस हम मंदिर से दर्शन करके तो घर पे आ गए, लेकिन इतनी भीड़ थी बाहर, अंदर का वीडियो ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि अंदर फोटो भी नहीं ले पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी अंदर, मतलब लोग बहुत लोग आए हुए थे। आज संडे है तो इसलिए बहुत लोग आ रखे थे तो हम आपको दर्शन नहीं करवा पाए, उसके लिए सॉरी। और मेरा खंड इतना दर्द हो रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया अंदर से, इतना गला क्यों पक गया तो इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं कुछ बन गया है इसलिए। तो अगली बार जाएंगे तो आपको ज़रूर दर्शन करवाएंगे और बाहर का थोड़ा सा वीडियो बना पाए क्योंकि बाहर झूला वूला लग रखा था, वहाँ पे बहुत बच्चे झूल रहे थे, बड़ों का तो नहीं था लेकिन बच्चों का था तो बच्चे झूल रहे, तो वहाँ पे थोड़ा सा सीन लिया है। जैसे हमारे साथ हार्दिक था तो हार्दिक झूल रहा तो उसका सीन ले लिया, और तो नहीं ले पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी मंदिर में, तो मतलब प्रसाद भी मुश्किल से चढ़ा के हम बाहर निकल गए क्योंकि मतलब बहुत लोग थे। आज संडे है तो मतलब जो कंपनी में जॉब करते हैं कोई, मतलब जो भी सरकारी उनका जॉब करते हैं तो संडे के दिन ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, तो बहुत लोग आ रखे थे, मतलब इतनी भीड़ थी हम भी मुश्किल से दर्शन खड़े खड़े करके निकल गए, बैठ भी नहीं पाए थे वहाँ पे। तो भाई देखिए मैंने बनाई नमकीन सुबह खाने के लिए, मतलब नमकीन की जो भी चीज़ मिली है उसमें डाल दी है। और देखो इस कढ़ाई की मेरी हालत भी सारी कितनी सुंदर लग रही है कढ़ी, आप जरूर
बताना कैसी लग रही है, और सभी नज़र मत डालना मेरी कढ़ाई पे, क्योंकि मेरी इतनी प्यारी तो कढ़ाई है ना, इसलिए देखिए गाइस अब हम हमारी बन रही है क्या दाल। काश देखिए गाइस, तो गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना, और घंटी वाला बटन तो ज़रूर दबाना गाइस, भूलना मत। और गाइस अपना प्यार सपोर्ट देते रहना मेरे को, आपकी प्यार सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है। तो गाइस देखना देखना अभी मैं दाल डालूंगी इसमें। तो मैंने इस साइड दाल उबाल दी है इसको पहले, अभी इसमें फ्राई कर देती हूँ, फिर मतलब घंटों तो नहीं है, लेकिन फिर भी 5-7 मिनट इस पर पकाने के लिए रखूँगी, अच्छे से पक जाएगी, फिर अच्छी स्वाद बन जाएगी इसमें। तो किसी को दाल ना बनाना आते तो मेरे को रेसिपी पूछ लेना कैसे बनानी है इसको, मैं आपको सभी को ज़रूर बताऊँगी कैसे बनानी। तो ये दाल हो गई ज़्यादा, इसका पानी है ना हटा हटा कि इतना सा रखूँगी फिर अकेली खाने के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि हमें वैसे भी अकेली हूँ तो अकेला खाना पड़ेगा ना। तो गाइस ये दाल पकती है, तब तक है ना कुछ और काम कर लेते, फिर मिलते हैं आप लोगों से खाने के समय, ठीक है। देखे जी सबके जमा घास भूसा एड कर दी देखी।